अपन दर्शकों को बताते हैं, रायपुर सीएम में सीएम से मिले हैं जो स्टील उद्योग संघ के उद्योगपति। देर रात उद्योगपतियों ने सीएम को अपनी समस्याएं बताई। सीएम ने बिजली की बड़ी दरों पर उन्हें आश्वासन दिया है 2 अगस्त तक सरकार इस पर कोई फैसला करेगी। 29 जुलाई से 150 मिनी प्लांट में काम बंद है और वजह यह है कि बिजली की दरें जिस तरीके से बढ़ रही हैं उसी को लेकर विरोध जो स्टील प्लांट के जो उद्योगपति हैं वो कर रहे हैं और इसी को लेकर सीएम से भी मुलाकात की थी। जुल्फिकार, भरोसा तो मिला है मुलाकात के बाद जब समस्या रखी उद्योगपतियों ने, 150 मिनी स्टील प्लांट में काम ठप पड़ा है, क्या लगता है जल्द ही समस्या का हल निकलेगा 2 तारीख तक जिस तरीके से वक्त दिया गया है? स्टील उद्योग से जुड़े हुए जो उद्योगपति हैं उनका जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन ने पहले भी सरकार के लोगों से बातचीत की थी और मांग की थी कि छत्तीसगढ़ में जो उद्योगों को दी जाने वाली जो बिजली है उसकी बिजली दरों में वृद्धि की गई है और 25% की वृद्धि होने की वजह से उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, जैसे जिसकी वजह से वो राष्ट्रीय स्तर पर कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं दूसरे राज्यों के उद्योगपतियों से उद्योगों से। तो ऐसे में उनकी मांग थी तो हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई तो इसका फैसला उन्होंने 29 तारीख की रात 12 बजे से ये फैसला लिया कि छत्तीसगढ़ के जो स्टील उद्योग से जुड़े संयंत्र हैं उनको बंद कर दिया जाए। तो वो बंद हो गए और कल रात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनकी मुलाकात हुई है और चर्चा हुई है। तो उद्योगपतियों ने अपनी बात रखी कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जा रहा है, 1 टन में 2,000 से लेकर 2,500 रुपये तक बढ़ जा रहे हैं जिसकी वजह से बाजार में वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, ऐसे में उनके उद्योग में संकट आ जाएगा और उद्योगपति नुकसान पे बहुत ज़्यादा दिनों तक उद्योगों को अपने चला नहीं सकते। इसको लेकर सरकार की तरफ से भी अपनी बात रखी गई कि उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बिजली की दरें उद्योगों को सबसे सस्ती दी जाती हैं दूसरे राज्यों की तुलना में अगर देखा जाए, और बीते 10 सालों से बहुत ज़्यादा उस पर वृद्धि की नहीं गई है और जो छूट दी जा रही थी पिछली सरकार के दौरान उस छूट को कम किया गया है, वृद्धि नहीं की गई है। तो छूट को धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो CSPDCL है तो उसके उसका भी उत्पादन जो लागत है उसको बहुत ज़्यादा भार ना आए। अभी मौजूदा समय में 700 से ज़्यादा करोड़ रुपए की सब्सिडी उद्योगों को बिजली के माध्यम से दी जाती है, इस तरह की बातें रखी गई। फिर भी उसके बाद ये आश्वासन दिया गया कि 2 अगस्त तक इस पर फैसला ले लिया जाएगा। तो 2 अगस्त मतलब ये है कि परसों के दिन सरकार अपना फैसला कुछ ना कुछ लेगी, लेकिन हालांकि उद्योगपतियों ने कहा कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक उन्होंने जो अब काम बंद कर दिया है तो वो काम बंद जारी रहेगा। मतलब साफ है कि अभी 1 दिन ही हुए हैं, अब आज और कल 2 दिन और उद्योग बंद रहेंगे तो निश्चित तौर से इससे फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो हो सकता है जो स्टील उद्योग है उसमें बाजार में मांग और आपूर्ति में जो अंतर आने की वजह से महंगा भी हो सकता है। महंगाई की वजह ये कि छत्तीसगढ़ 22% स्टील का उत्पादन देश में करता है और अगर उत्पादन रुकता है तो उसकी वजह से शॉर्टेज होने की भी संभावना स्टील की रहेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसमें महंगाई हो और महंगाई के अलावा जो उद्योगों से जुड़े जो कर्मचारी हैं जो वेतन भोगी हैं उनको भी रोजगार का संकट हो सकता है। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जुल्फिकार। तो आगे आने वाले वक्त में 2 तारीख तक का वक्त दिया है 2 अगस्त तक की समस्या को का समाधान निकाल लिया जाएगा।